खाने का वार्षिक निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया है। इसमें जितने भी संचिकाएँ होती हैं खाने की, उसका अपडेट और क्या स्थिति है उसका मैंने रिव्यू किया है। कुछ पंजियाँ संधारित थी, अपडेट थे, कुछ पंजियाँ संधारित नहीं थी, उसको संधारण करने के लिए, अपडेट करने के लिए मैंने निर्देश दिया है थाना अध्यक्ष को। उसके अलावा जो पेंडिंग केसेज हैं उसका भी रिव्यू किया है मैंने, और उसमें जो एक्शन बाकी है, खास करके गिरफ्तारी या कुर्की जब्ती या वारंट की जो कार्रवाई है एग्जीक्यूट करने की, उसके लिए मैंने निर्देशित किया है। केस डिस्पोजल के लिए जो हर संभव प्रयास करने का निर्देश दिया गया, जिसमें वरीय पदाधिकारी, सर्किल इंस्पेक्टर और सब डिविजनल SDPO भी है, साथ में उनको भी निर्देशित किया गया कि इसके लिए लगातार सारे आईओ के साथ बैठ कर रिव्यू करें और केस को डिस्पोजल करने के लिए जो भी हर संभव है प्रयास करें। उसके अलावा जितने भी इस क्षेत्र में, थाने के क्षेत्र में जितने भी सक्रिय अपराधी हैं, उनके ऊपर डॉशियर खोल के और लगातार निगरानी रखने की आवश्यकता है, जिसके लिए निर्देशित किया गया है। शराब से संबंधित जो जितने भी माफिया हैं, जितने भी अपराधी हैं, उन पर CCA का प्रस्ताव और PMLA का प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया गया है।